यूपीएससी परीक्षा पास करना कोई मामूली बात नहीं होती। इसके अलग अलग चरण और उनकी अलग अलग रणनीति के कारण तो स्टूडेंट्स परेशान ही रहते हैं, और उनकी ये दुविधा तब और भी बढ़ जाती है जब उनमें से अपना पसंद का जो विषय है वो चुनने के लिए उन्हें कहा जाता है। अब हो सकता है कि आपको ये बात जो है सुनने में बिल्कुल साधारण सी लग रही हो कि कोई एक विषय चुनना है और उसकी परीक्षा देनी है, लेकिन यकीन मानिए एक यूपीएससी स्टूडेंट के लिए ये सबसे मुश्किल फैसलों में से एक होता है। तो क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स में से एक को चुनना और फिर यूपीएससी में उस विषय के आधार पर अपनी दावेदारी पेश करना मजाक नहीं होता है, और यही कारण है कि कई स्टूडेंट्स गलत विषय चुनकर इस परीक्षा से बाहर भी हो जाते हैं। तो यदि आप भी इस दुविधा में हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का बस ये वीडियो आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी में सबसे ज्यादा चुने जाने वाले ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना यूपीएससी की परीक्षा के महत्वपूर्ण निर्णयों में सबसे शायद महत्वपूर्ण होता है। मुख्य परीक्षा में इसके दो पेपर होते हैं जिनके टोटल मार्क्स 500 होते हैं। अब 2025 अंकों की परीक्षा में 500 अंक कितने इंपॉर्टेंट हैं ये आपको बताने की जरूरत तो है नहीं। तभी तो हर टीचर, हर एस्पायरिंग कैंडिडेट को एक सलाह जरूर दी जाती है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत सोच समझकर चुनना। तो सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक विषय की कोई सटीक परिभाषा नहीं है, ये उस व्यक्ति के लिए व्यक्ति परक है जिससे आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि भूगोल अपनी वैज्ञानिक प्रकृति के कारण सबसे अच्छा विषय है होगा और सामान्य अध्ययन के पेपर के साथ ओवरलैप होता है। अन्य लोग ये भी कह सकते हैं कि लोक प्रशासन अपने सटीक पाठ्यक्रम के कारण सबसे अच्छा है। फिर भी अन्य लोग ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र बेस्ट है एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट क्योंकि वो इसे पसंद करता है। तो वैकल्पिक का विषय चुनने के लिए का जो पैमाना है वो आपको खुद ही तय करना होगा। हाँ, हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। तो चलिए हम आपको ये बता देते हैं। तो सबसे पहले है राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो यूपीएससी में इसे सबसे ज्यादा स्कोरिंग और सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक विषयों में से एक क्यों माना जाता है, मैं आपको इसके सारे कारण बताती हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें यह है कि इस विषय को कोई भी आसानी से समझ सकता है और इसके लिए राजनीति विज्ञान पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप थोड़ी सी भी अपने जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग कर लें तो करंट अफेयर्स को भी रेगुलरली अपडेट करते रहें तो ये विषय में आपको मुश्किल नहीं आएगी। तो और खासतौर से जिन लोगों को लिखने का शौक है उनके लिए तो ये विषय बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसमें रचनात्मक तरीके से जानकारी को स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है। क्रिएटिविटी बहुत मैटर करती है। तो बहुत सारे प्रश्न लगभग निबंध की तरह ही होते हैं, या फिर कुछ चीजों को परिभाषित करने को कहा जाता है जिसमें आपका लेखन कौशल जरूर काम में आ सकता है। नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजी। तो यूपीएससी में एंथ्रोपोलॉजी को सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक विषयों में से एक माना जाता रहा है। इस विषय की जो स्कोरिंग प्रकृति है उसके कारण उम्मीदवारों द्वारा इसे तेजी से चुना जा रहा है। हालांकि पिछले 10 वर्षों में टॉपर्स में से किसी ने भी एंथ्रोपोलॉजी को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं लिया था, लेकिन अन्य रैंक वाले कई छात्रों ने इसे चुना है और साथ ही उच्च अंक प्राप्त किए हैं। तो कुल मिलाकर ये एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, विच मीन्स इसमें ज्यादा बदलाव नहीं होते और एकेडमिक रूप से इस पर ज्यादा शोध नहीं किया जाता है, और इसीलिए जो नए अवधारणाएं हैं, नए विचार हैं, नए सिद्धांत हैं, उनका प्रवाह कम होता है। जैसे विवाह, रिश्तों का विकास, प्रागैतिहासिक संस्कृतियों आदि जैसी जो अवधारणाएं हैं उनको याद कर कर लिखने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज समाज शास्त्र। तो यूपीएससी मेंस में सबसे ज्यादा स्कोरिंग और सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक विषयों में से एक है। ये यूपीएससी द्वारा पेश किए जाने वाले सबसे आसान विषयों में से भी एक है। तो चूंकि ये परंपरागत रूप से उम्मीदवारों के बीच एक वैकल्पिक विकल्प रहा है, इसलिए आपको इस विषय पर बहुत सारी सामग्री के साथ साथ बहुत ज्यादा मार्गदर्शन भी मिल जाएगा। पहले से ही अच्छी स्टडी मटीरियल तैयार होना भी एक विषय की तैयारी में बहुत मदद करता है और बहुत समय भी आपका इससे बचता है। आप उन लोगों की रणनीति और अनुभव से भी लाभान्वित हो सकेंगे जिन्होंने इसे अपने वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था।
नेक्स्ट इज भूगोल। तो अधिकांश उम्मीदवार भूगोल को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुनते हैं क्योंकि ये देखा गया है कि ये यूपीएससी में उच्चतम स्कोरिंग विकल्प है और उम्मीदवारों के बीच सबसे लोकप्रिय भी है। तो भूगोल तकनीकी के साथ साथ गैर तकनीकी का एक दिलचस्प मिश्रण है और ये पक्ष इसे कला और विज्ञान दोनों पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच लोकप्रिय बनाता है। और इसके अलावा इसका सिलेबस अन्य विषयों की अपेक्षाकृत थोड़ा सा छोटा है और आप आसानी से इसे 6 महीने में पूरा कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लोक प्रशासन। तो चूंकि इसे पहली बार 1987 में मेंस वैकल्पिक सूची में जोड़ा गया था, लोक प्रशासन ने अपार लोकप्रियता हासिल की है और तभी से ये उम्मीदवारों के बीच एक पसंदीदा विषय रहा है। साथ ही इस विषय की सफलता दर कुछ अन्य जो गैर तकनीकी विषय हैं उनकी तुलना में अधिक है। तो ये सभी फैक्टर्स स्वाभाविक रूप से इसे यूपीएससी में सबसे अधिक स्कोरिंग के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक विषयों में से एक बनाते हैं। तो यह एक व्यवस्थापक के रूप में आपकी भविष्य की भूमिका के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है और पेपर में जवाबदेही, कार्मिक और वित्तीय प्रशासन, संगठन आदि जैसे जो विषय हैं, साथ ही पेपर 2 यानी कि भारतीय प्रशासन की संपूर्ण विषय वस्तु उससे सेटिंग को समझने में उपयोगी होगी जिसका आप अंततः हिस्सा बनेंगे। तो ये विषय को बहुत ही व्यावहारिक, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इस विषय को बहुत ज़्यादा व्यावहारिक बनाते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे कोई सवाल या सजेशन है तो कॉमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।